दिल्ली के नागलोई इलाके में हिट एंड रन का एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जिसमें दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की मौत हो गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक कांस्टेबल सादे कपड़ों में अपनी बाइक से जा रहा था, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार उसे रौंदते हुए निकल जाती है। ये घटना आज सुबह हुई है। कांस्टेबल की पहचान संदीप के रूप में हुई है, जो नागलोई पुलिस स्टेशन में तैनात था। जानकारी के मुताबिक कांस्टेबल संदीप नागलोई इलाके में डकैती के मामलों में अचानक हुई बढ़ोतरी की वजह से जांच करने के लिए सिविल ड्रेस में ड्यूटी कर रहे थे। वो अपनी बाइक पर थे, तभी उन्हें एक वैगनार कार को नोटिस किया, जिसे बहुत ही लापरवाही से चलाया जा रहा था। उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी धीमी करने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। तब कांस्टेबल संदीप ने अपनी बाइक से कार को ओवरटेक करके उसके आगे पहुंच गए। अचानक वैगनार के ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और संदीप की बाइक को पीछे से टक्कर मार दी और उन्हें लगभग 10 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। वैगनार की सामने खड़ी एक दूसरी कार से भी टक्कर हुई। संदीप को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें पहले सोनिया अस्पताल ले जाया गया और फिर वहां से पश्चिम विहार के बालाजी अस्पताल में ट्रांसफर किया गया, लेकिन गंभीर चोटों की वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया। मीडिया को संबोधित करते हुए इस मामले में डीसीपी जिमी चिराम ने कहा है कि वैगनार में दो लोग सवार थे, जो मौके से भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित की हैं। दोनों की पहचान कर ली गई है और जिस कार से कांस्टेबल संदीप की बाइक को टक्कर मारी गई है, वो कार भी बरामद हो गई है। शुरुआती दृष्टि से ये मामला रोडरेज का लग रहा है, लेकिन फिर भी मामले की जांच पड़ताल आगे चल रही है।